इसे सिली घाट बोला जाता है। उस तरफ है वो सगनी घाट, इस तरफ है सिली घाट। सामने जो भीड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे है शिवलिंग। चलिए अंदर लेके चलते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हितेश कुमार HK। दोस्तों आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी नया साल मनाने के लिए और घूमने के लिए अभी पहुंचा हूं मैं सगनी घाट। सगनी घाट है वो दुर्ग जिले का काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और मेरे गांव से जो शिवधाम कोड़े से वो 3 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो हम लोग पहुँच जाते हैं सगनी घाट। तो आज भी मैं पहुँचा हूँ सगनी घाट और 1 तारीख का माहौल आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो जस्ट अभी मैं हूँ सगनी घाट के किनारे, ये है शिवनाथ नदी, इसको बोला जाता है दोस्तों त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आके 2 नदी मिलते हैं। एक इधर से होता है आमनेर नदी और एक इधर से शिवनाथ नदी, और यहाँ से एक नाले से भी पानी आता है। मतलब 3 जगह से यहाँ पानी मिलता है, इसलिए इसे बोला जाता है त्रिवेणी संगम। और ये काफ़ी बड़ा सा ये ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो नीचे एक ब्रिज है जो बारिश के समय डूब जाता है, लेकिन अभी का स्थिति ये है कि ये वाला ब्रिज बन जाएगा तो यहाँ पे आना जाना और भी आसान हो जाएगा, और किसी भी मौसम में आप एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँच सकते हो। तो चलिए आपको सगनी घाट का भी माहौल दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी नववर्ष में आप सगनी घाट का माहौल देख सकते हो, अभी मेला मंडाई पूरा लगना चालू हो गया है। तो दोस्तों मैं सगनी घाट के पहले साइड में हूँ, इसे सगनी घाट बोला जाता है। उसके बाद आगे नदी है और ये है जो राम जानकी आश्रम है, वहाँ मैं अभी ले जाने वाला हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी सुंदर इसका एंट्री गेट बना हुआ है, चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो जस्ट पहुँच चुके हैं राम जानकी आश्रम में, काफ़ी खूबसूरत आश्रम है। आप इस तरफ का पूरा माहौल देख सकते हो, और जस्ट आगे आपको मंदिर भी मैं दिखलाने वाला हूँ। इधर देख सकते हो दोस्तों पूरा आम का बगीचा है, और जस्ट सामने है नदी, शिवनाथ नदी है वो, पूरा आम का बगीचा है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हो हवन यज्ञ के लिए हवन कुंड वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, एक साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर हवन यज्ञ यहाँ पर करवा सकते हैं। चलिए इसके अंदर मैं लेकर चलता हूँ आपको, यहाँ का माहौल भी दिखला देता हूँ। फर्स्ट टाइम है जो मैं इसके अंदर आया हूँ, काफ़ी सुंदर माहौल है। तो 6 जनवरी को है सगनी घाट का मेला, और यह जो मेला है वो छेरा पूर्णिमा को हर वर्ष लगता है। तो आप पहुँच सकते हो इस मेले में भी, काफ़ी सुंदर यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। तो आप भी आइए सगनी घाट का मेला, जिसे नदिया मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जो ये यज्ञ वाला एरिया है वहाँ पे, देखो यज्ञ के लिए हवन कुंड भी बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जस्ट इसके सामने आप दिखाई दे रहा है आपको, ये है श्री राम जानकी आश्रम आनंद धाम सगनी। तो चलिए आपको मंदिर का एरिया भी दिखला देता हूँ, ये कुछ इस तरह का है मंदिर, और यहाँ से सीढ़ी वगैरह भी है, और यहाँ पे भी है बहुत सारे मंदिर। ऊपर शिव जी का मूर्ति है काफ़ी विशाल। तो ये वाला है दोस्तों श्री राम जानकी आश्रम। यहाँ सामने जो भीड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे है शिवलिंग। छत के ऊपर है शंकर पार्वती गणेश जी, और ये मंदिर का पूरा माहौल। और इस तरफ से नदी, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। यहाँ से आप मूर्ति का खूबसूरती देख सकते हो, कितना प्यारा मूर्ति है शंकर पार्वती गणेश जी का। यहाँ पे मूर्ति है राम लक्ष्मण और सबरी जी का मूर्ति है।
का व्यू हमने देख लिया किस किस तरह का यहाँ पे मूर्ति है। अब यहाँ से चलते हैं नीचे। दोस्तों राम जानकी मंदिर से मैं वापसी हो रहा हूँ और इधर पूरा एरिया आपको दिखला रहा हूँ मैं। दोस्तों आप लोग कितना लोग आ रहे हो सगनी घाट का मेला 6 तारीख को, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो जस्ट मैं निकल रहा हूँ जो राम जानकी मंदिर है वहाँ से बाहर, फिर आप ये देखिए ब्रिज और यहाँ पे जो मेला मंडाई लगा है उसको दिखलाता हूँ। और यहाँ से चलेंगे नदी की तरफ। दोस्तों मैं सगनी घाट की तरफ ही अपना बाइक रख दिया हूँ और यहाँ से हम लोग चलेंगे नदी के दूसरे तरफ। आप इधर का पूरा एरिया देख सकते हो, पूरा पिकनिक स्पॉट बन गया है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे हैं नया साल में। और यहाँ से मैं चलूँगा नदी के दूसरे तरफ, वहाँ भी काफ़ी भव्य मेला लगता है। इसे देख सकते हो ये ब्रिज यहाँ तक बना हुआ है, फिर ये एरिया पूरा छूटा हुआ है। ये दूसरे तरफ को ज्वाइन करने के लिए बनाए गए हैं, उस तरफ का है वो सिली घाट बोला जाता है। ये देख सकते हो नदी, ये दूसरा साइड है। इस तरफ ये जो पुल बना हुआ है ये पानी को रोक के रखने का काम करता है और इसमें एनी टाइम 12 महीने आपको पानी भरा देखने को मिलता है। और ये दूसरे साइड पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है वो। दोस्तों मैं जितना दूर आगे देख पा रहा हूँ वहाँ तक लोग पूरा पिकनिक मनाने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी भीड़ है क्योंकि लोग अलग अलग जगह में बटे हुए हैं, इसलिए भीड़ का अंदाज़ा नहीं लग रहा है। और यहाँ से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ से हम लोग चलेंगे नदी के दूसरे साइड। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं नदी के दूसरे साइड, इसे सिली घाट बोला जाता है। उस तरफ है वो सगनी घाट, इस तरफ है सिली घाट और यहां पर भी काफ़ी बड़ा एरिया है और मंदिर भी है। तो एक एक करके पूरा जगह में आपको लेकर चलेंगे। तो अभी सिली घाट का भी आपको माहौल दिखला देता हूँ। इधर भी मेला मंडाई लगने चालू हो गया है और ये पूरा इधर का मंदिर वगैरह है और यहाँ भी स्टॉल वगैरह है, तो आपके मेले तक तो अच्छा खासा माहौल यहाँ पे हो जाएगा। जितना ना दोस्तों सगनी घाट में मंदिर वगैरह है उससे कहीं ज़्यादा आपको सिली घाट में मंदिर देखने को मिलता है। चलिए एक एक करके पूरा मंदिर मैं दिखलाता हूँ। तो ये मंदिर आप देख सकते हो सिली घाट में बन रहा है, सगनी घाट के दूसरे साइड सिली घाट, और एक शिव मंदिर है यहाँ पे, शिवलिंग है। जब बनेगा तो और काफ़ी खूबसूरत लगेगा, जगह का पूरा रौनक बढ़ जाएगा। काम चल रहा है देख सकते हो, बीच में है शिवलिंग। यहाँ पे और एक खूबसूरत मंदिर बन चुका है जिसे कबीर कुटी बोला जाता है। चलिए अंदर लेकर चलते हैं। जस्ट आप सामने देख सकते हो कबीर साहब का ये मूर्ति है, इसे कबीर कुटी बोला जाता है। तो एक और खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, तिबल मंजिल में है। तीन जगह आपको देवी देवता देखने को मिल जाएंगे और इसका बनावट से आप समझ सकते हो यहाँ पे शिवलिंग है, बाहर नंदी जी है। तो इतना खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे पूरा मंदिर बन चुका है सिली घाट में। तो यहाँ पे कथा प्रवचन हो रहा है। खेतों को अच्छे से देखना, लोगों को काफी अच्छा भीड़ है यहाँ पे अभी। तो सिली घाट का जो मुख्य मंदिर है माता शक्ति का, वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ। चलिए चलते हैं, नारियल पूजा पाठ के समान आगे आपको मंदिर दिखलाता हूँ मैं। तो इधर भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है लेकिन मुख्य मंदिर ये है दोस्तों माता शक्ति का, जो स्वयंभू बताया जाता है। चलिए मंदिर के अंदर आपको लेकर चलते हैं। आपके नाम बताओ। दसोदा शर्मा। दसोदा शर्मा, कहाँ के रहने वाला हो? सिल्ली। अच्छा, तो माता के बारे में बताओ, कब से हो एक उत्पत्ति? एकर उत्पत्ति है बहुत दिन से, एकदम 5 पीढ़ी हुआ था मतलब पूजा कर। प्राचीन काल, अब प्राचीन काल कह रहे अब ना ये कुछ नहीं, जंगल रही से। अच्छा। बाद में
वहाँ सगनी में रहती हमारे में हमार ससुर में तो सगनी मान है जानी से यहाँ देवता उपजी के कोई सपना दिस हुई सगनी ला तो सगनी में रही ना हमारे ससुर है तो वहाँ से डोंगा नहा के पूजा करे बार आवत ये प्राचीन काल के वह ना पहले शुरू ऐसे कहाँ ले नहीं जाना है तो रही दोनों झन नर और नारी तो नर है अपन लकड़ी फटा सके मन उदास चकारी तो अपन पूरा चीजा जला ली सपन है जब जात है तो महो सती हूँ वह अग्निदेव भरत ऋषि मक्ति से सती हुई सती हुई सो सती हुई बाद में ना वो खुद रख के जा जाए खुद सपना दे अग्नि का। तो जस्ट इसके सामने भी बहुत सारे मंदिर है दोस्तों, आते हो ना तो पूरे मंदिर को अच्छे से घूमे। मैं बहुत जल्दी में इसी वजह से कुछ ही मंदिरों को मैं कवर कर रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा सगनी और सिले घाट। आपको यह वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।